अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आप सभी कपड़ों के दुकानदारों के लिए एक नई खुशखबरी। आप लोगों की डिमांड पर बहुत बड़ा मशहूर होलसेलर जीन्स कॉर्नर, रेडीमेड के थोक विक्रेता, मेंस वियर और किड्स वियर। आज ही चले जीन्स कॉर्नर, पता है जैन स्वीट्स के सटे व भी मार्ट से 50 कदम दूर, फतेहपुर बाईपास रोड, साई कॉम्प्लेक्स, सीवान। मोबाइल नंबर 9525949737, 7352427374। प्रोपराइटर कुणाल जी व विशाल जी। सबसे अलग, सबसे खास, आपके पूरे परिवार के लिए गरम मसाला रूफ टॉप रेस्टोरेंट, जहां वेज और नॉन वेज में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध है। एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां एक साथ इंडोर में 70 लोग और आउटडोर में 100 लोगों के बैठने की है व्यवस्था। होम डिलीवरी की भी सुविधा। मनानी हो बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या मीटिंग, तो आज ही बुक करें गरम मसाला रूफ टॉप रेस्टोरेंट, HDFC बैंक के सामने, पेट्रोल पंप के ऊपर, बबुनिया रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9693496921। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान, तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। सिवान के निर्दलीय MLC उम्मीदवार रईस खान का जिस तरीके से जलवा शुरू से चला और आज तक कायम रहा, कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि रईस खान सिवान के MLC चुनाव को त्रिकोणात्मक बना दिए हैं, और इसीलिए अभी तक कह पाना अस्पष्ट है कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे। इतना जरूर है कि रईस खान के आ जाने से तमाम दल के लोगों की धड़कनें तेज हो गई है, और रईस खान के लोग जिस तरीके से एरी चोटी एक करके रईस खान को MLC बनाने के लिए लगे हुए हैं, ऐसे में कल 4 तारीख है और 4 तारीख को देखना होगा कि रईस खान को जनप्रतिनिधियों का किस तरीके से समर्थन मिल पाता है। वैसे तो रईस खान लगातार यह कहते हैं मीडिया में कि इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत होगी और सभी लोग लड़ाई से बाहर हो जाएंगे, तो देखना होगा कि 7 तारीख को रिजल्ट आएगा तो क्या कुछ होता है। ATN लाइव के लिए बंटी कुमार, सिवा। पुष्प सदन में आवाज उठाऊंगा और आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा और पटना क्या पूरा हिंदुस्तान सुनेगा कि आप सिवान से जिस MLC को भेजे हैं, जिस भरोसा से भेजे हैं, वो आपके उम्मीद पर खरा उतरता है या नहीं उतरता। दूसरा, हमारे घोषणा पत्र में है, भगवान ना करे हमारे जनप्रतिनिधि के साथ कोई ऐसा घटना घटे, अगर समय चक्र है, समय बलवान होता है, समय कब क्या कर सकता है ये कोई नहीं जानता। अगर दुर्घटना होती है तो सबसे पहले उस परिवार को हमारे तरफ से 24 घंटा के अंदर 50,000 सहायता राशि दी जाएगी। हमारे सदर हॉस्पिटल में, सिवान जो सदर हॉस्पिटल है, वहां गरीब परिवार ही जाते हैं और गरीब परिवार ही सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं जहां हर चीज का सुविधा उपलब्ध नहीं होता। तो हमने अपने जितने गार्जियन हैं, जो भी हमारे सलाहकार हैं, जो भी हमारे समर्थक हैं, तो उन लोगों से राय हुआ कि सिवान जो वार्ड हमारे हैं, हमारे जितने भी सिवान के कोना कोना में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, तो गरीबों का जो भी सदर हॉस्पिटल में इलाज होता है, कभी कोई दवाई नहीं है, कभी कोई दवाई नहीं है, तो जो दवा वहां नहीं मिलती है उसको उपलब्ध कराने का हमारे फंड से हमारे लोगों की जिम्मेवारी है कि हमारे सिवान सदर हॉस्पिटल में किसी तरह का कोई दबाव या अभाव कभी नहीं होगी। कल हम हसनपुरा में प्रखंड में इस तरह जनसभा में संबोधित कर रहे थे, तो कुछ वार्ड सदस्य, कुछ मुखियागण हमसे कह रहे कि भैया हम लोग ब्लॉक पे जाते हैं तो हमारे हम लोग को बैठने का वहां सुविधा नहीं है, बीड मुखिया लोग का बैठने का सुविधा नहीं है। तो मैंने उन लोगों से ये भी वादा कर दिया
कि मेरे जीतने के बाद हर ब्लॉक पर सिवान जिला के 19 प्रखंड में हर ब्लॉक पर एक कार्यालय बढ़िया बनेगा, जहां हमारे वार्ड सदस्य, मुखिया, बीडीसी, जिला परिषद जब भी ब्लॉक पर जाए वो आराम से 2-4 घंटा बैठे, सारा व्यवस्था हम जरूर कराएं। अब रहे आप सब नेता हैं, जनप्रतिनिधि जो भी जीता वो नेता है, निर्णय आप लोगों को लेना है। जो भी प्रत्याशी आपसे आते हैं, आपसे वोट की अपील करते हैं, तो ये जरूर आपको पूछने का हक है कि हम आपको वोट देंगे तो आप हमको क्या दीजिएगा, आप हमको कुछ दीजिएगा क्या दीजिएगा। अगर कोई घोषणा कोई किए हैं तो इनसे जरूर पूछना है। एक हमारे प्रत्याशी आए हैं, बाहर से कैंडिडेट हैं, वो कह रहे हैं कि हम सिवान में फैक्ट्री लगाएंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे। 6 साल पहले भी चुनाव लड़े थे, हार के चले गए, हार जीत तो मालिक के हाथ में है, मगर जिस क्षेत्र से लड़े थे उनको यहाँ रहना चाहिए। उस समय कोरोना के दौर में सिवान के जितने भी जनता, चाहे तमाम हिंदुस्तान के हर जनता परेशान थी, तो नेता का एक दायित्व बनता है जो जहां भी है अपने लोगों का ख्याल वहां से भी रख सकता है। अगर हम पटना है चाहे दिल्ली है, तो अगर हम चाहें तो जो भी हमारे शक्ति के अनुसार, सेवा भाव के अनुसार चाहे तो अपने जनता को कहीं से भी उपलब्ध करा सकते हैं, तो ये कहीं नजर नहीं आए। अब ही आए, अब क्या कर रहे हैं कि हम प्लांट लगाए, तो प्लांट लगा देंगे तो बेरोजगारी दूर हो जाएगा। हमें आप लोगों से यही पूछना है कि आप प्लांट लगाएंगे तो अपने लिए लगाएंगे, सिवान की जनता के लिए लगा देंगे, और बेरोजगारी दूर करने की जहां तक बात है तो किसी की बस की बात नहीं है कि बेरोजगारी दूर कर दे। बेरोजगारी दूर कर सकता है तो वह सरकार, बिहार सरकार, केंद्र सरकार अगर चाह दे तो बेरोजगारी दूर हो सकती है। जितना भी पद खाली है, चपरासी का, कर्मचारी का, पुलिस विभाग का, हर विभाग में बहुत सारा पोस्ट खाली है, पद खाली है, उसको अगर सरकार चाहे तो भर सकती है, तो उससे बेरोजगारी की समस्या कम हो जाती है। और एक प्रत्याशी हमारे अभी एनडीए से भी आए हैं, जुड़ और एक नौजवान नेता हैं, और लोग चाहते हैं कि चुस्त दुरुस्त आदमी हो, कहीं ज़रूरत पड़े तो फौरन आ जाए, बात करे, क्योंकि सिवान की हालात जो है आज तकरीबन 15 साल से कहीं ना कहीं बहुत बदतर रहा, जिसके वजह से पब्लिक ये चाहती है कि एक नया चेहरा आए और लोगों का काम हो, लोगों का मान सम्मान बढ़े, खास करके हॉस्पिटल का यहाँ पर जो है हालात, वो तो सभी लोग जानते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारा काम इस तरह का है जो एमएलसी से एक उम्मीद की जाती है और वो होना चाहिए, जो नहीं हुआ, इनसे सभी लोग कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं। और आप तो एटीएन के लोग हैं, एमएलसी का तो हर जगह प्रोग्राम सभी का हो ही रहा है, लेकिन इनका स्वागत जहाँ पे भी गए होंगे आप, एक स्वागत करने का अंदाज़ लोगों का बिल्कुल अलग है। जिस धरती पे आप खड़े हैं, इस धरती पे ये घर, यहाँ पे शहाबुद्दीन साहब पहली बार आए तो लोग जाना कि ये कौन है, ये जीरादेई के विधायक हैं। आज देखिए इत्तफाक, आज तकरीबन 25-30 साल के बाद फिर से एक मौका आया कि रईस साहब लड़ने गए। ये मकान पुन, ये एक्चुअली देवशरण बाबू बहुत ही मतलब बड़े जिम्मेदार और यहाँ हाई स्कूल के मास्टर थे, उनका ये घर हुआ, पुनपुन जी, उनके छोटे लड़के पुनपुन सिंह नाम हुआ, उन्हीं का ये घर है। और इस गोरिया कोठी में इतना मान सम्मान मिलने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हर तरह का भेदभाव ख़त्म हो गया, जिसके वजह से इस दरवाजे पे उनको आज इतना मान सम्मान मिला। और हम ये कह सकते हैं कि इस गोरिया कोठी से एक उनको
बहुत ही अच्छा वोट का आंकड़ा मिल चुका है और जीत पक्की है। धन्यवाद। देखिए ये तो स्वागत आप लोग खुद जानते हैं कैसे हुआ, और जितने भी प्रत्याशी आ रहे हैं तो वो लोग को भाड़े पर आदमी को बुलाना पड़ जा रहा है, ये तो सच्चाई है। या तो प्रतिनिधि जो भी जीते हुए वार्ड मेंबर हुए हैं, मुखिया हुए, वो लोग तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन भाड़े के लोग नज़र आ रहे हैं। और हमारे साथ आप देख रहे हैं कि जितने भी प्रतिनिधि हैं, मुखिया गंगन हो, जिला परिषद हो, वार्ड परिषद हो, ये सब पहले से हुजूम बना के चले आ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई तो किसी से है नहीं, 80-20 की लड़ाई है। 20 में वो लोग आएंगे, कौन आए हैं विदेश से लड़ने के लिए वो आ जाए, या मनोज जी आ जाए, जो भी आ जाए, 20 में वो लोग सब रहेगा, 80 में हम लोग हैं। जीत एकदम पक्की है, जीत कोई रोक सकता है? घमंड तो नहीं है, भगवान ऊपर, अल्लाह ऊपर है, उसके ऊपर भरोसा है कि जीत हमारी पक्की मानी जाती है। 80-20 की लड़ाई मानी जाती है, 80-20 के बीच की लड़ाई, 80 हम हैं, 20 वो लोग हैं। अब मात्र 888 रुपए के EMI पर घर ले जाएं, LED TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, RO, बैटरी इन्वर्टर, लैपटॉप और मोबाइल। AC में 22,000 तक की विशेष छूट। LG बेस्ड शॉप जिम्मी सेल्स के ऊपर नील कमल फर्नीचर शोरूम में महालगन पैकेज, जिसमें बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बेड टेबल अब मात्र 59,990 से शुरू। फर्नीचर में 40% तक की विशेष छूट। आज ही चले जिम्मी सेल्स, पुरानी किला के पास, बबुनिया रोड, सीवा। मोबाइल नंबर 9931880030, 9973187309। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945298789312293। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। आपके गंजेपन व बालों के झड़ने से शादी विवाह में हो रही हो परेशानी, तो अब घबराएं नहीं, क्योंकि सिवान में आ गए हैं डॉक्टर फिरोज आलम फरीदी। यहां गंजेपन, बालों का झड़ना व टुनकी का होता है सफल इलाज। 20 वर्षों से हेयर केयर दिल्ली का शानदार अनुभव। अगर आप गंजेपन से छुटकारा चाहते हैं, तो आज ही चलें फरीदी हेयर केयर क्लिनिक, डॉक्टर फिरोज आलम फरीदी, गंगा कॉम्प्लेक्स, दरबार सिनेमा के सामने, पन्ना मार्केट के पास, सिवान। रविवार को तेथली बाजार, बढ़हरिया। मोबाइल नंबर 9312710383। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर एस के अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144। बड़े बड़े महानगरों की तर्ज पर खुल गया आपके शहर सिवान में द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट, सबसे खास, सबसे अलग, जहां मॉकटेल से लेकर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध है। मनानी हो बर्थडे पार्टी या अन्य कोई भी फंक्शन, तो आज ही चले द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट, द टेस्ट ऑफ लखनऊ, झुनापुर हाईवे से सटे, सिवान। ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर 7766964414।